नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। साल 2020 के लिए नहीं दिया जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार, संस्था ने कोविड-19 का दिया हवाला। भारतीय इंजीनियर ने विकसित किया इंटरनेट आधारित रोबोट, कोविड-19 के मरीजों को इलाज करने में मिलेगी मदद। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। नोबेल पुरस्कार के एशिया संस्करण के रूप में माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस साल रद्द कर दिया गया है। यह केवल तीसरी बार है जब पिछले 6 दशकों में यह वार्षिक पुरस्कार रद्द किया गया। साल 1970 में वित्तीय संकट और 1990 में फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण इस पुरस्कार को रद्द किया गया था। आपको बताते चले कि एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा साल 1957 में स्थापित किया गया था। फिलीपींस की सरकार की सहमति से वहां के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया, ताकि उनकी आम जनता की साहसपूर्वक सेवा, लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवादिता और निर्मल सरकारी चरित्र की याद को ताज़ा रखा जा सके। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे, जिन्हें साल 1958 में उनके सामुदायिक नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया था। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। वहीं अंतिम बार यह पुरस्कार पाने वाले रवीश कुमार हैं। रवीश कुमार को यह पुरस्कार साल 2019 में उनके उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया था। रवीश कुमार NDTV समाचार नेटवर्क के हिंदी समाचार चैनल NDTV इंडिया के संपादक हैं और चैनल के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे हम लोग, रवीश की रिपोर्ट को होस्ट कर रहे हैं। साल 2016 में द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में रवीश कुमार को भी शामिल किया था। एक भारतीय इंजीनियर ने इंटरनेट से नियंत्रित किया जाने वाला एक रोबोट विकसित किया है। यह रोबोट कोविड-19 के रोगियों के इलाज करने वाले हॉस्पिटलों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस रोबोट का नाम कोरोबॉट रखा गया है। यह रोबोट स्वतंत्र रूप से भोजन, पेय पदार्थ, पानी, दवाइयाँ और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सामग्री वितरित कर सकता है। साथ ही यह रोबोट नर्सों, कर्मचारियों या अन्य देखभाल करने वाले लोगों की सहायता के बिना ही मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सलाह भी दे सकता है। इस रोबोट की तैनाती कल्याण के होली क्रॉस अस्पताल में किया गया है। इस रोबोट की सबसे अच्छी बात है कि इसे एक एप्लीकेशन द्वारा दुनिया के किसी भी हिस्से से नियंत्रित किया जा सकता है। मेडिकल के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग तकनीक का उपयोग करने वाला यह विश्व का पहला रोबोट है। इस रोबोट में कुल 3 नलिकाएं हैं। पहली नोजल का उपयोग खुद रोबोट को कीटाणुनाशक प्रदान करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी नोजल का उपयोग पथ के दोनों ओर प्रक्षालकों को स्प्रे करने के लिए किया जाता है। तीसरे नोजल का उपयोग यूवी प्रकाश के साथ ज़मीन को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। आपको बताते चलें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्किंग के विकास की सबसे बड़ी सफलता में से एक है। इस तकनीक का इस्तेमाल सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से आपस में जोड़े गए सभी डिवाइस एक दूसरे को डाटा भेजते हैं, साथ ही एक दूसरे के डाटा को प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी इस तकनीक की मदद से आप किसी भी उपकरण को इंटरनेट के साथ लिंक करके बाकी डिवाइसेस से अपने अनुसार कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार होगा आपकी परीक्षाओं से। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में मंजूरी दे दी है। 8 जून को राज्यपाल बेबी रानी मौर्या से मंजूरी मिलने के बाद गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च 2020 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था।
अब उत्तराखंड उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया जिनकी दो या दो से अधिक राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियों का प्रस्ताव है तो हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में दो दो राजधानियां हैं। जम्मू कश्मीर में भी दो राजधानियां हैं, लेकिन साल 2019 में इसे राज्य की सूची से हटाकर केंद्र शासित बना दिया गया था। हाल ही में ओडिशा सरकार ने वंदे उत्कल जननी गीत को राज्यगान का दर्जा दिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को ओडिशा मंत्रिमंडल ने 7 जून को मंजूरी दे दी। राज्यगान का दर्जा दिए जाने के बाद अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और राज्य विधानसभा में बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाएगा, लेकिन सभी सरकारी विद्यालयों, कॉलेज और समारोहों में इसे वाद्य यंत्रों के साथ बजाने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि वंदे उत्कल जननी एक देशभक्ति कविता है जो साल 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा द्वारा लिखी गई थी। मनरेगा कार्यक्रम के तहत अब तक की सर्वाधिक निधि का आवंटन किया गया। दरअसल 8 जून 2020 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख के लिए प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। इस व्यवस्था से प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों और सेवाओं के संबंध में त्वरित राहत मिलेगी। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत इसका गठन 1985 में किया गया। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सेठी का 8 जून को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। श्री सेठी अटल सरकार में साल 2000 से 2004 तक जल संसाधन मंत्री रहे। आपको बता दें कि अर्जुन सेठी ओडिशा के भद्रक लोकसभा सीट से 8 बार सांसद और ओडिशा विधानसभा के 2 बार सदस्य भी रह चुके थे। हाल ही में 3D एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड के उत्पादन और व्यवसायीकरण के मुद्दे पर राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान यानी NIPER और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के बीच करार हुआ। आपको बताते चलें कि NIPER गुवाहाटी में स्थित केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है, जबकि पुणे की हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। प्राकृतिक आपदा और उसके राहत के उपायों को कारगर ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय प्रधान समिति यानी NCMC का गठन किया है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ साथ अन्य संगठनों के व्यक्तियों को भी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।